के दोस्त हैं, थिएटर में हम लोग साथ थे। सो पूरा जो एनवायरनमेंट है, आप कह सकते हैं कि एक, मैं पहले भी बोला था इसको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक लगता है 11 मेंबर की एक क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, जो स्पिनर भी है, मतलब हिटर भी है और टेल, सबने एवरीबॉडी परफॉर्मड सो वेल कि यू नो बहुत रेयर होता है एक मैच में हर आदमी सारे मतलब हर मेंबर परफॉर्म करते हैं। क्रिकेट में अगर लेते हैं तो हर बार हो जाता है कि कोहली ही बना रहा रन, बाकी आसपास कोई नहीं है। आप मुझे सोच सकते हैं कि मैं इस टीम का कोच हूं, सो मैं कोच की तरह इस फील्ड में था बस। और इसमें एक और ऐड ऑन हो गया रेयर में, you guys picked up 10 national award, you means your production house Sujit sir, then we have नेशनल अवार्ड का लेके ही था मिस्टर बच्चन को जो मिला, तो तब ऐसे बात हो रही थी, तो फिर अनिरुद्ध जो है उनको 2 अवार्ड मिले, मेरे को भी 2 मिला है, फिर हमने कहा हमें भी मिला है, सुविधा को भी मिला है विकी डोनर पे, उसके बाद अभिदा से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे 3 मिले हैं। सो ऐसे करते करते देखा इतने सारे अवार्ड मिला, तो वो बाय चांस कोइंसिडेंस हुआ, तो आई थिंक या, बट वी आर हैप्पी दैट आई एम फॉर्चूनेट दैट इतने सारे नेशनल अवार्ड एक साथ एक फिल्म में काम कर, एंड आई गेस दिस इज गोना बी अ रिकॉर्ड फॉर द मूवी, मुझे वो तो मालूम नहीं था, सो इट वाज अ नाइस स्टोरी, इसलिए वो आया कि सीरियसली या अच्छा स्टोरी था, सो पीपल सेड कि दिस इज स्टोरी, एंड द थिंग इज दिस होल इमेज दैट वी गॉट वॉज वी सेट कि आज तक हमेशा क्या होता है, कोई भी फिल्म जब करते हो आप कुछ ना कुछ स्टोरीज होते हैं, बट आई डोंट थिंक सो किसी ने कभी देखा है जो साउंड डिज़ाइनर जो बहुत मेजर रोल प्लॉट प्ले करते हैं वो कभी बॉम्बे टाइम्स में फर्स्ट पेज में आते हैं। आई थिंक वी थॉट कि आई मीन वी आर टेक्निकल पीपल एंड वी वुड लव टू रिस्पेक्ट दीस पीपल, कभी सामने नहीं आते हैं, वो मिक्सिंग करता है वो कभी नहीं आता है। सो हम चाहते थे, मिस्टर बच्चन को बोला सर टेक्नीशियंस इतने सारे नेशनल अवार्ड जो हैं एक साथ हैं, तो आई थिंक क्या मुझे बहुत मजा आ रहा है, आई थिंक इट्स क्वाइट फन। उसके बाद पर अगर आपको फिल्म से कुछ लेना हो, उसकी जो मैसेज लेना हो, उसकी मॉरल वैल्यूज लेने हो, तो हम लोग खुश हो जाएंगे, और उस पर डिबेट अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आपने कहा कि सॉरी आपने एक और सवाल पूछा था कि एनी ब्यूटीफुल मोमेंट दैट आई रिमेंबर फ्रॉम द फिल्म, देखिए मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने इतने सारे फिल्म किए हैं अभी तक, जैसे इस फिल्म का जब कोर्ट सीन कर रहा था ना, मैं एक सीन होता था और एक एक कलाकार 11 होता है 11 मेंबर की टीम, एक बॉलर ने स्पिन मेगा और आउट भी दे दिया, वो इतना बढ़िया परफॉर्म करता था कि पूरा पूरा मतलब पूरा जो स्टूडियो क्लैप करता था, और कोई अगर इमोशनली ड्रेन आउट हो जाता था, रो पड़ता था, सब लोग जाके उसको पकड़ते थे। मीन्स एवरी 10-12 दिन जो हम कोर्ट में थे वॉज अ लेसन, अ स्पिरिचुअल लेसन हुआ मेरे लिए, एक लगे एक लेसन जिसमें हम कुछ और ही इंसान बन गए थे, मतलब इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट बन गया था, वो एक बहुत बड़ा लेसन है। अगर आप बिज़नेस की एक्सपेक्टेशन बोलेंगे तो हमको तो, मैं बिज़नेस पे तो विश्वास ही नहीं करता हूँ, अगर बिज़नेस का विश्वास कर रहा होता और बिज़नेस की तरफ देख रहा होता तो पीकू नहीं बनाता कॉन्स्टिपेशन पे, ना ही स्पर्म डोनर विकी डोनर बनाता, ना ही मद्रास का बनाता, ना ही ऐसा फिल्म बनाता, कुछ गाने वाने की फिल्म बना देता, लिप लॉक कर देता मैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं पूरा एक फिल्म की कहानी पे विश्वास करता हूँ, और अगर मेरे को अच्छी लगी कहानी तो मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लाइक माइंडेड दोस्त होंगे, लड़के लड़कियाँ होंगे, और ऑडियंस होगी जिनको शायद फिल्म पसंद आए, जो मेरी तरह सोचते हैं। अगर हाउ गुड सुजीत सर इन अ फाइनेंस इज नाउ not at all. You should concentrate on creators. Any plan from your side to come up on the, in front of the camera or behind the camera? Front of the camera, no, not at all. Maybe he's just offering you something. Yeah, I'll offer him to act. Act. No, I'm very happy with what I do, producing. And as we said, हम लोग collaborative तरीके से काम करते हैं. तो as a producer, ये नहीं है कि मैं सिर्फ numbers और business और finance ही देखता हूँ. I get involved in everything, in the creatives. Ronnie ekdam creative mein involved rehta hai. And it shows in the trailer also. So yes. It's creative involved rehta hai. Hum log ekdam jud ke rehte hai. Aur maine kaha na, hum log bahut hi interfering producers hain. Hum log interfere karte hain har kaam mein. And lastly, what are the other projects maybe in future we gonna see and we gonna see from your end? See, future projects, scripting chalu hai. जो आपको मालूम है, आप जो मुझे पूछने वाले हो, मैं आपको पहले ही बता दूं, सारे र्यूमर्स हैं। सो
मैं स्क्रिप्ट हो जाने के बाद मेरे हाथ में जब इतना बड़ा सा स्क्रिप्ट आएगा पूरा बुक फॉर्मेट में, मैं बोलूंगा हाँ ये स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, तब मैं बोलूंगा मैं क्या फिल्म बना रहा हूँ। बहुत सारे आइडियाज में काम कर रहा हूँ। यस, सम बायोपिक्स भी प्लान्स में है हमारे, स्पोर्ट्स फिल्म भी हमारे प्लान्स में है, उसमें भी एक बायोपिक है मेनली, और भी एक लव स्टोरी प्लान है। सो और मैं अपने पुराने जितने राइटर्स हैं जिनके साथ काम करता हूँ उनके साथ फिर से काम कर रहा हूँ। Thank you so much and thanks for your time and best of luck for you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Sir, wait.